आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन। क्लासरूम संपादन की प्रक्रिया में जो टाइम मैनेजमेंट की बात हमने कल किया था कि टाइम मैनेजमेंट के क्या ये होते हैं, तो वही आज उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल्स को देखिए, जब कोई भी टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ सिद्धांत हम बनाते हैं। तो ये सिद्धांत दो तरह के होते हैं, एक होता है सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल और एक होता है स्पेशल स्पेसिफिक प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। इसमें सरलता तथा स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल की हम बात करते हैं उसमें क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। स्पष्टता होना चाहिए कब किसका क्लास है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसका क्रम क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या है। तो एवरीथिंग इज क्लियर इन टाइम मैनेजमेंट। और स्पष्टता भी होनी चाहिए, सबको अपने तरीके से सरल होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें स्पष्टता होना चाहिए। कोई भी देखे तो समझ जाए कि उसका क्लास कब है और कैसे इसमें किसके अकॉर्डिंग कब जाना है, कब नहीं जाना है, बच्चों को कब करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कब उनका प्ले टाइम है। तो ये सरलता तथा स्पष्टता का भाव होना चाहिए। उसके बाद देखिए अध्यापक तथा छात्रों का संपर्क। टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें टीचर और स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो सके। कॉन्टैक्ट होने से क्या होता है, अध्यापक और छात्रों का, छात्र अध्यापक से जितने कॉन्टैक्ट में रहेंगे, छात्रों के इंडिविजुअल डिफरेंस को जानेंगे, छात्रों के इंटरेस्ट को जानेंगे, छात्रों के एटीट्यूड को जानेंगे, छात्रों के एप्टीट्यूड को जानेंगे। तो जितना ज़्यादा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे उतना ज़्यादा एक दूसरे को समझेंगे। तो इसी तरह का टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन हो सके। उसके बाद देखते हैं उचित रीति से कार्य वितरण होना चाहिए। जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कोई ऐसा टीचर है जिसको बहुत ज़्यादा काम दे दे, कोई ऐसा टीचर है जिसको कम काम दे दे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि टीचर को समान रूप से क्लास देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आराम देते हुए उनको क्लास देना चाहिए और जिस टीचर को जिसमें इंटरेस्ट है उसी तरह से देना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ दिया अध्यापक की योग्यता तथा रुचि को स्थान। अध्यापक को जो जिसमें एबिलिटीज़ है और जिसमें इंटरेस्ट हो वही सब्जेक्ट पढ़ाने को देना चाहिए। अच्छा टीचर जो है योग्यता रखता है मैथ्स में और उसकी रुचि है मैथ्स में और उसको हम साइंस उसको हम पढ़ाने के लिए दे देंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो क्या करेगा, टीचर का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इससे हमारा टीचिंग लर्निंग जो होता है, क्लासरूम का माहौल, क्लासरूम का संपादन की प्रक्रिया पर इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ जो भी हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो विस्तृत होना चाहिए, काफ़ी ब्रॉड होना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि केवल पाठ्य विषयों को इसमें महत्व नहीं देना चाहिए बल्कि करिकुलर एक्टिविटीज़ को महत्व देना चाहिए। यथासंभव पुस्तकालय लाइब्रेरी का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, खेल कूद को महत्व देना चाहिए और केवल पाठ्य पुस्तक को ही नहीं बल्कि चूँकि छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात करती है तो सभी चीज़ों को स्थान देना चाहिए। और उसके बाद होता है नैतिक नियम। देखिए समय क्या होता है ना, जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, एक समय का पालन करते हैं स्टूडेंट्स भी, जो टीचर भी होते हैं टाइम का पालन करते हैं, क्लास में जाते हैं फिर अपने टाइम से निकल आते हैं। तो यहाँ टीचर भी एक डिसिप्लिन गेम है, उनको देख देख के छात्र भी क्या करेंगे, उसी तरह के डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। तो ठीक है, इसीलिए ये नैतिक मूल्यों का समावेश करता है। उसके बाद हम चलते हैं स्पेशल सिद्धांत की ओर। स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं, पहला होता है विषयों का क्रम। देखिए विषयों का क्रम ऐसे रखना चाहिए जिससे छात्रों को उबन नहीं होना चाहिए। उबन का मतलब है उबाऊ बच्चों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कठिन विषयों का क्रम ऐसे ना रखा जाए कि एक कठिन विषय है तो तुरंत दूसरा कठिन विषय रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए गणित पढ़ाना है, गणित के तुरंत बाद क्या कर दिया जाए, अंग्रेजी पढ़ा दिया जाएगा, बच्चों को उबाऊ लगने लगेगा। तो जैसे मैथ्स है, मैथ्स के बाद ज्योग्राफी रख सकते हैं, थोड़ा सा सरल सब्जेक्ट। तो हमेशा इसमें विषयों के क्रम में अगर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो फिर एक थोड़ा सा सरल रखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर सरल, इस तरह से जाना चाहिए। उसके बाद घंटों का क्रम पीरियड्स जो होते हैं, मतलब कि घंटों का क्रम मतलब हो जाएगा कि देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने कॉन्स्टेंट कितने देर तक रखते हैं और बड़े बच्चे जो होते हैं कितने देर तक कॉन्स्टेंट रह सकते हैं। तो हमेशा हमें घंटों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कठिन विषयों को दूसरे या तीसरे घंटे में पढ़ाया जाना चाहिए और जो ज़्यादा कठिन विषय होगा उसको बाद में। ये पीरियड्स की बात होती है, घंटे की बात नहीं है, पीरियड्स की बात, ये पीरियड्स की बात है। तो फिर आपको आगे बताती हूँ जो छात्रों की आयु की बात होती है। उसके बाद कार्य करने की सीमा तथा मौसम। देखिए
का दिन है, आप अच्छा नहीं, छात्रों के लिए रुचिपूर्ण, जो छात्रों के लिए रुचिपूर्ण भी होना चाहिए, जिसमें छात्रों को इंटरेस्ट है वही चीज़ें पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसमें उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो सब्जेक्ट उनको ज़बरदस्ती हम पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद कार्यकर्मी की सीमा तक का मौसम, चूँकि आप लोग देखते हैं ना, आप लोग का जो रूटीन है वो क्या होता है, गर्मी में कुछ और होता है और सर्दी में कुछ और होता है। जब गर्मी का मौसम होता है तो आपका टाइम टेबल क्या होता है, मॉर्निंग में कर दिया जाता है, क्योंकि गर्मी में काम करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, गर्मी लगता है और हमारा शरीर कार्य करने का क्षमता थोड़ा कम हो जाता है, और जाड़ा में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जाड़ा में हम 10 से 4 टाइम टेबल करते हैं, या फिर थोड़ा अगर 7 बजे से है तो 7 बजे से उसको 2 बजे तक रखते हैं। लेकिन वही ठंडा में क्या करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक करते हैं, नहीं गर्मी में क्या करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक कर देते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लगता है, बच्चों को गर्मी भी लग सकता है और लू भी लग सकता है, और साथ ही साथ उनका ड्यूरेशन थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी होती है कम हो जाती है। उसी तरह अगर उनका जाड़ा के दिन में आप देखिएगा, जाड़ा के दिन में बच्चों का क्या करते हैं, हम समय सीमा थोड़ा सा नीचे से सुबह से थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 9 बजे से कर देते हैं, 9 बजे से उधर 3 बजे तक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्यांतर का पर्याप्त समय, इसमें मध्यांतर का पर्याप्त समय जो आप लोग का टिफिन पीरियड होता है उसको पर्याप्त समय मिलना चाहिए, ताकि बच्चे थोड़ा सा खेल भी लें, थोड़ा खा भी लें और थोड़ा रिलैक्स हो जाएं जो सुबह से पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं। उसके बाद छात्रों की आयु तथा घंटों का समय, इसमें बताती हूँ, देखिए इसमें मैं वही बता रही हूँ, हमें घंटों बताइए, ये पीरियड्स है एक्चुअली, कौन पीरियड्स में पहला, मान लीजिए पहले साइंस पढ़ाते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, यहाँ पीरियड्स में बात करते हैं। और यहाँ छात्रों की आयु तथा समय का बात है, यहाँ समय की बात है, घंटा कितना घंटा किसको पढ़ाना है। मान लीजिए छोटा बच्चा होता है वो कॉन्सेंट्रेट करने का पावर जो होता है एकदम, जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा कम रखते हैं, और जैसे जैसे एज होता है, जैसे मान लीजिए आपका आपका आपके पढ़ाने की सीमा 45 मिनट्स है, आपके बीएड में जो आप पढ़ रहे हैं तो आपकी सीमा क्या है 45 मिनट्स है, लेकिन वही छोटे बच्चों की बात करते हैं, जो 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं वो अपने आप को कितने साल तक कर सकते हैं, 20 से 25 मिनट, और 20 से 25 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 14 साल का बालक 30 मिनट तक रख सकता है, और जैसे आप लोग का एज है 14 साल के ऊपर का वो 45 मिनट तक, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्लास रखते हैं। हम देखते हैं LKG UKG के बच्चे जो होते हैं उनका पीरियड्स जो होता है कम टाइम का रखा जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, जब बच्चा 14 साल का हो जाता है तब हम उसका 45 मिनट्स का रखते हैं, ठीक है। तो ये है छात्रों की आयु के अकॉर्डिंग हम घंटों का समय निर्धारित। उसके बाद थकावट का ध्यान, हमको थकावट का भी ध्यान रखना है कि बच्चे ना काम करते अचानक बच्चों को इतना हम ना पढ़ा दें कि बच्चे थक जाएँ उठ जाएँ और उनका ध्यान ही नहीं रहे। उसके बाद अध्यापक के लिए देखिए, यहाँ तो सिर्फ हम छात्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन अध्यापक के लिए भी लीजर पीरियड होना चाहिए, ताकि छात्र अपने अध्यापक अपने विषय की तैयारी कर सके, और भी उनको काम होता है रजिस्टर से रिलेटेड वो काम कर ले, तो अध्यापक के लिए खाली घंटों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, हम कैसे क्लासरूम ट्रांजेक्शन का क्लियर करेंगे, तो इसी के साथ ही थैंक यू सो मच।